फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सनसिल्क एसीएल प्रेजेंटेड बाय प्रोटेक्स पावर्ड बाय एरियल एंड नेस्ले एवरीडे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली और मेरा नाम है आदि अदील अमजद, जो कि एक पिघलती आइसक्रीम जैसे लग रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी आइसक्रीम लग रही होगी, मेरी चर्बी नहीं लग रही होगी। फाइनल पे बात आ गई है फाइनल पे बात आ गई है और आज है जनाब सनसिल्क एसीएल प्रेजेंटेड बाय प्रोटेक्स पावर्ड बाय एरियल एंड नेस्ले एवरीडे का फाइनल। जो खेले अब तक टाइगर्स की तरह बेखौफ बेखतर, छोटी सी बच्ची ने बड़े बड़े लड़कों की बेइज्जती कर, वही है मेहरान टाइगर्स। पर अब है फाइनल का मुकाबला रावी रेडर्स के खिलाफ। क्या टूर्नामेंट जीतना है इनके लिए आसान या अधूरे रह जाएंगे इनके ये अरमान? रावी रेडर्स जिनका जज्बा बाकमाल, जोश बेमिसाल और जीत की लगन लाजवाब, ताज लगा पता जाएगा जो इसी लगन से बढ़ते आए टूर्नामेंट में। कोई किसी को मौका नहीं देने वाला। बॉल फेंके, लाल टोपी वाला आपका प्लेयर है वो बहुत खतरनाक है। लाल टोपी बार प्लेयर फारे। पर अब है फाइनल की बाजी मेहरान टाइगर्स के खिलाफ। मैं जीत रहा हूँ, को बेस्ट ऑफ लक कहते हम लोग। तो क्या ये गेम भी होगा इनके नाम? जानने के लिए देखिए एसीएल ग्रैंड फिनाले। अच्छा जी, आपको बताते चले दोनों टीम्स इस वक्त स्टेडियम में आ चुकी है और हमारे साथ एक मासूम सा प्यारा सा छोटा सा बेसब्रा बच्चा है जिसको मेरे ख्याल से सब्र नहीं हो रहा। कैमरा ऑन होने से पहले भी वो दो बार पिच पे आ चुका था। आपको मालूम है बड़ी बड़ी फिल्में बनी है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी मैं कहता हूँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं पाकिस्तान में, पांच घंटे की फिल्में बनी है। बिल्कुल ऐसा हुआ है जनाब। लेकिन आज खवातीन हज़रात हम जिस शख्स को बुला रहे हैं इंतहाई मासूम, क्यूट, लेकिन मासूमाना नहीं है, मासूमाना नहीं है, मासूमाना सवाल फेंक लिया आपको पता चल गया होगा यार की सबसे बड़ी फिल्म जनाब वसीम बदामी साहब को बुला रहे हैं। वसीम बदामी आज के इस फाइनल में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। वसीम बदामी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। दूर दूर क्यों खड़े हैं, नाराज हैं? मैं कह रहा डिस्टेंसिंग। हाँ कैसे सर, ठीक ठाक? अल्लाह करम ठीक ठाक। आप लोग मजे में मौज में? पहली दफा अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रही है, काम आपने पहले कभी किया नहीं? वसीम भाई की फीमेल ऑडियंस भी बस भर के साथ आई हुई है। वसीम भाई आपके बारे में कहा जाता है कि 6 साल से लेके 96 साल तक के आपका जो फैन क्लब है उसमें आप आज भी बहुत मोस्ट पॉपुलर इंसान है। ये इज्जत आपको कैसी लगती है, ये स्टारडम आपको कैसा लगता है? अगर ऐसा है तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत थैंक यू। वसीम भाई मेरे ख्याल से अगर आप एक फ्लाइंग किस फेंक दें उस तरफ, पहले मैं बंदा तो आइडेंटिफाई करूं कि ये कौन है हमारे पास। नवीद रजा है यार, ये नवीद रजा है, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा लड़कियां दाढ़ी रख के आई हुई हैं। अच्छा मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था आवाज, आप इग्नोर करें वरना बड़ा बहुत अफसोस होता मुझे। अच्छा जी वसीम भाई, मुझे ये बताएं बहुत सारी लड़ाइयां इधर हो रही हैं और मेरे ख्याल से शायद थोड़ी बहुत आपने देखी भी हो। हाँ। लेकिन आखिरी दो मैचेस में लड़के इस तरह हुए हैं कि बस मारम कुटाई। अच्छा। तुम गलत हो हम सही हैं, हम सही हैं तुम गलत हो, चल रहा है। आज मुनसिफ आला आ गया है, तो आज आप देखें आज इंसाफ पे मबनी फैसला होगा और अदालत का फैसला आखिरी होगा। जो तलवार चलेगी उस दुनिया देखेगी, समी खान भी आएंगे, कोई भी आ सकता है, टीपू साहब भी आएंगे, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यू नेम इट। तो जनाब एहतराम है सबका, लेकिन एम्पायरिंग की तो फिर अपने रूल्स है ना। फिर मूड में पिच पे बंदा बाप की तरह खड़ा हो ना, फिर जो बाप की तरह जबरदस्त। जनाब जब अब्बा जी की बात हुई है तो यहाँ पे हम बताते चले जनाब पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अब्बा जी को बुलाते हैं, पाकिस्तान के मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट टैलेंटेड होस्ट ऑफ ARY और ARY फैमिली का बड़ा पुराना हिस्सा है फहद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। क्या कंप्लीट चलते हैं आप। काश मैं ये तुम लोगों के बारे में भी कह सकता। फहद भाई कैसे हैं आप, हसीन लग रहे हो, गोले गंडे कैसे हो तुम? मैं क्यूट हूँ। क्यूट हो उसके बारे में, वो गोला गंडा हो सकता है, अपन तो ठीक लग रहे हैं। ये क्यूट है, अगर इसको म्यूट लग जाए तो ये बहुत क्यूट हो सकता है। लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं आप और सबसे ज्यादा आज वसीम बादामी प्यारे लग रहे हैं क्योंकि स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं आज वसीम बादामी और इसके अलग से पैसे भी नहीं मिले, इसका सीना भी स्पॉन्सर है, आप चेक करें। मैं आपको बताऊं मुझे वसीम बादामी ऐसे लग रहे हैं मुझे पार्लर में से लड़कियां नहीं निकलती मेकअप वाली। ये एक एक अदनान सिद्दीकी की रिप्लेसमेंट आज टीम में आई है। अदनान सिद्दीकी भी शर्मिंदा है कि मेरी रिप्लेसमेंट जो है वो आई है। जी जी। और अभी मुर्गियों की आवाज भी वहीं से आ रही है। आगा शिराज द मोस्ट सीनियर और सबसे अल्लाह माफ करे सीनियरिटी की
मतलब के डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। सीनियर तरीन बिल्कुल ही सीनियर लोगों की बासी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। अब वक्त आ गया कि हम टीमों को बुला लें। जी अब आ गया है ताकि हम उनसे एक तो एक एक करके बात करें और फिर आप लोग को भी पता चले कि वो किस टेम्परमेंट में। सबसे पहले बुलाते हैं, बुलाने से पहले ही कोई आ रहे हैं, बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही आ गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियों में घरों में बैठे बैठे बजाय मैं इतनी देर में इनको काबू करता हूँ। रावी रेडर्स भाई, रावी रेडर्स अपने खालू के साथ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से जल्दी से हमें इनसे बात करनी चाहिए। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने मैच आप लोगों का देखा था तो आप टीपू को इतना कुछ सुना रहे थे बिल्कुल, और अब अचानक से टीपू कप्तान हो गए मतलब टीम के, ये कैसे हो सकता है? टीपू कप्तान है जी पाकिस्तान में। ये टीपू भाई को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन्नल्लाह मासाबिरी, वो चले। मैं ये जिम्मेदारी सलमान को सौंप के गया था, ये किसने? वो टीपू ने टेक ओवर कर लिया। आपको पता है पाकिस्तान के क्रिकेट में सियासत बहुत होती है। इस कप्तान का सेलेक्टर कौन है भाई? अब मुझे समझ आया पीसीबी में 50 साल से कौन है, आप ही हैं। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि अपनी मर्जी से आप कैप्टन बन गए। मैं कहाँ से अपनी मर्जी से बन सकता हूँ? एक मैच आप नहीं थे, आप पहले मैच नहीं आए, इन्होंने मैच कैप्टन किया, हार गए। अगले मैच में इन्होंने बुलडोज कर दिया हिमालय हीरो, और ये नहीं थे। तो बेसिकली हुमायूं सईद भी ऐसे ही माशाल्लाह आए थे। नहीं, मैं 5 मैच जिता के गया। कब जिताए आपने? ये क्या कर रहे हो? जिता के गए, अनबीटेबल छोड़ के गए, अनबीटेबल छोड़ के। अच्छा, क्यों नहीं खेल रहे थे? नहीं खेल रहे, ये हार गए। अच्छा, मगर कोई बात नहीं, क्या वजह? यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट माय टीम इज दैट टीपू इज पार्ट ऑफ दैट टीम, राइट? ऑफ कोर्स ही इज, एंड वी प्ले लाइक ग्लैडिएटर्स। आगा शिराज भी? ओह यस, ग्लैडिएटर। अब ओके, कमाल का है ये तो। ठीक है, ये मर मर के जिंदा होता है। वाह यार, अच्छी बात। ये लाल टोपी वाला 185 रन बनाए हैं इसने इस टीम की जानिब से, इस टीम के टॉप स्कोरर है। क्या? और साथ ही साथ 185 रन तो बनाए लेकिन रोज शेव करके भी आता है, वो बजट अलग है इसका। लाल टोपी नहीं उतरी पिछले 2 महीने से, इसकी ना लाल टोपी धुली है ना इसने बदली है। एक तो दूसरा जनाब हाईएस्ट विकेट टेकर सलमान, और गेस करें दूसरे नंबर पे कौन? मैं, नवीन। वाह, 7 विकेटों के साथ सलमान हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 3 विकेटों के साथ नवीन ने सबसे ज्यादा विकेट ली है इस टीम के लिए। इसमें मैं बाकी टीम को फिटे मुंह कहूं? बिल्कुल कह सकते हैं आप। वी प्ले एज अ टीम। कमाल की बात है, जितनी भी जो खवातीन खेल रही है उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर यही है। क्या बात, क्या बात, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, वुमेन एम्पावरमेंट की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी इजाजत हो अदनान भाई, तो अगली टीम को बुलाया जाए, प्लीज प्लीज। अपना अदनान भाई मुझे एक बात बताए, आगा शिराज को आपने भेजा और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन ये एक बाबा जी से बातें करते हैं, वो आप तो नहीं है कहीं? नहीं, ये ऊपर देख के बात करते हैं। हम बड़ी बहुत ही मिस कर रहे थे एक लेफ्टी को, वो आ गया हमारी टीम में, बड़ा फर्क पड़ता है इससे लेफ्टी होने में ना, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन, उल्टा हाथ से बड़ा अच्छा खेलते हैं। एक लेफ्टी और भी है यहाँ पे, मुझे पता है ये तो खेल नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। मेरा लेफ्ट हैंड टुंडा हुआ है आजकल, इसलिए टुंडे हैं यार, मेरा राइट टुंडा हुआ। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी अगली टीम को, आज के हमारे दूसरे फाइनलिस्ट मेहरा टाइगर। वाह, सीनियर्स और जूनियर्स का आज मुकाबला है, एक्सट्रीम सीनियर्स, एक्सट्रीम जूनियर्स, चेक करें आप। नवीद रजा फॉसिल्स में भी आते हैं आजकल, लेकिन ठीक है, चल रहे हैं, गुजारा है, चलाए। सर मेहरान टाइगर्स जो है हमारे साथ आ गए हैं, क्योंकि एक टीम के साथ मैच हो नहीं सकता, ठीक है, तो हमने इनको बुलाया हुआ है, तो इनसे भी बात करते हैं साथ साथ। अच्छा, एक जो कमाल काम हुआ है वो ये कि अयाज समो जी इस लीग में बाउंसर कर रहे हैं और बड़े ही सीरियस एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मैं बताना चाहता हूं कि बस अब कल का सूरज जो है अगर ना भी देखें तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वी हैव सीन इट ऑल। लेकिन फाद भाई ये कराता है बाउंसर, विकेट कीपर को जॉकर जाती है। इट्स नॉट द बाउंसर, इट्स द एक्सप्रेशन। और असल टीमों में बॉल भी नहीं मिलती इसको कभी। कमाल बात है, आप ये तो ना कहें। अच्छा ठीक है, अयाज क्या फीलिंग्स हैं आपकी? ठीक है, रहने दो, अभी तो एक्सप्रेशन ही दिया था, समझ तो आप गए होंगे। समझ गए। कप्तान समी खान क्या कहना चाहेंगे? अदनान भाई ने तो अचानक से मैदान छोड़ दिया है, आप क्यों नहीं गए, आपका कुछ नहीं सूझा? नहीं, अदनान भी पिछले मैच में भी नहीं थे, इनकी टीम काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी पहला जो सेमीफाइनल हुआ था इन्हीं के साथ हुआ,
तो दोनों हम एक मैच इनसे जीते हैं एक हारे हैं तो लेट्स सी फाइनल मजे का होगा। अच्छा, दोनों टीमें अनबीटेबल रही हैं, दोनों टीमों ने सिवाय एक दूसरे के और किसी से शिकस्त कबूल नहीं की। ओके, एक चीज थी, हम अदनान भाई को शुरू में तंग भी कर रहे थे, अदनान भाई आप तो लड़ते हैं, आप तो हर बात पे जो है ना रोना डाल देते हैं। सर आई ओ यू अ रिटन अपोलॉजी बिकॉज समी खान ने आपकी जगह ले ली है। सर देखिए अपने ज्यादा अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। जी जी, आवाज उठानी चाहिए खाली, याद रहे ये हक की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं समझ गया। आज के अंपायर बहुत सीरियस हैं। जी जी, बहुत बेरहम अंपायर हैं आज के अंपायर। बहुत ही मासूम भाई है। देखें समी भाई, अंपायर ये इतने क्रिकेट पे शो किया, इन्होंने बल्ला जिंदगी में कभी नहीं उठाया इन्होंने, अभी उठाया था दो मिनट पहले। आज इनको ये भी नहीं पता वाइड कैसे देखे, दिखाओ वाइड कैसे, वाइड ऐसे पता है मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। वेट तो किया करो। नहीं सर, कमाल है, बता। असल में पहली बार खोला है ना तो टाइम लगता है। फ्री, वाह, ये नहीं नहीं, पक्के हैं, पक्के हैं, पक्का। लेकिन आज एक सवाल है, 10 का सिग्नल का देंगे आप? 10 का सिग्नल ये अच्छा। अच्छा, आज का डेयर ये है कि हमें पता चला इस पूरी लीग में किसी ने भी 10 को हिट करने का अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आज एटलीस्ट कोई ट्राई तो करे। सलमान सईद के छक्के बहुत मशहूर हैं, सबने ट्राई किया, लगता किसी का नहीं है। लगता नहीं। समी भाई, अंपायर हमारे साथ बहुत सख्त है आज, तो आप लोगों ने इनकी बिल्कुल बात माननी है, वरना ये कोई पुराना आपका कारनामा खोल के रख देंगे सामने। जी शफा, मेरे ख्याल में आज यहाँ बता देते हैं जनाब, फाज शेख टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर 198 रन। और इनके जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है 122 रन बना चुके हैं, और समी ने विकेट सबसे ज्यादा लिए हैं। क्या बात है समी खान, सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर जनाब, 5 विकेट इन्होंने लिए हैं समी इस टूर्नामेंट में, विच इज अमेजिंग। 5 विकेट ले चुके हैं लेकिन इनके बकेट एक ही है, वही पहने जा रहे दो के, किसी और रंग की दी थी इनको, पजामा अलग हो भाई, लाइट हाउस में सबसे अच्छी मिलती है। मेरे ख्याल से शफात ब्रांडिंग का टाइम आ गया, कुछ अगर बोलना तो। मेरे ख्याल से बिल्कुल ब्रांडिंग का भी टाइम आ गया, साथ ही टॉस का भी टाइम आ गया। तो टॉस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अदनान भाई आज आप अपनी सुरीली आवाज का जादू दिखाएं, और आज आप हमें गाना गा के सुनाएं। तालियां, बिल्कुल, और सोलो परफॉर्मेंस। ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो रहे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। अपना घर अपनी सरजमी, सब कुछ है बस यही, होना तो है हमको यकीन, जज्बा जुनू तो हिम्मता, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, ओ पाकिस्तान है तुम्हारा। क्या बात है, पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुम्हारा हाथ रोके नान भाई ने वो यहाँ बैठ के टीपू आपके लिए कह दिया है जो मैं ऑन टीवी बयान नहीं कर सकता। नहीं कह रहे, वाकई में उनको ऐसा लगता है कि आपने गलत फैसला लिया है। आगाज से टीम इख्तिलाफात का शिकार, इत्तेफाक राय में बिलीव करते हैं, वहाँ से बहुत पेजर राय है, यानी मेंटोर की कोई हैसियत नहीं है। कि पूरी टीम मतदान के अगेंस्ट सोच रही है, आप एक पेज पर नहीं है। नहीं नहीं, मशवरा किया था ये। नहीं नहीं, ओ भाई विकेट खराब हो जाएगी, इधर आ जाओ, विकेट खराब नहीं करनी, इधर आ जाओ। कैसे बोल रहा है यार ये हमने मेंटोर को। समी खान बॉल को बहुत नजदीक से देखते हुए, और ये शानदार छक्का समी खान का,
नवीन वकार इज डिस्गस्टेड आई डोंट नो अदनान भाई का दिल और आगा शिराज का नाखून टूटा हुआ इस टीम में इस वक्त ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको सनसिल्क एसीएल प्रेजेंटेड बाय प्रोटेक्स पावर्ड बाय एरियल एंड नेस्ले एवरीडे में। तो जनाब हो ये रहा है कि टॉस का मरहला आ गया और आज का आखिरी टॉस फाइनल का टॉस है। देखते हैं कि कौन सी टीम ये टॉस जीतती है और टॉस के जीत करके क्या करती है। वसीम तैयार हैं आप? देखते हैं कौन जीतती है। आपने टॉस उछाला, एरियल टॉस जीता है जनाब, टेल्स यानी कि आपने जीता है सर, क्या करेंगे हम? बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे क्यों, कोई खास वजह? टीम की वाइब पे जाता हूं मैं, टीम की वाइब ये कह रही है कि बॉलिंग करना चाहते हैं। टीम की वाइब कौन है? तो हम टीम की वाइब मतलब टीम की फीलिंग्स, टीम के जज्बात, टीम के एहसास। आपको ये अंदाजा है कि अगर आज का मैच आप हार गए तो आपको अदनान भाई से बिस्त पड़ सकती है? अदनान भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे कैप्टन हैं। मैंने कभी भी अदनान भाई की गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदनान भाई ने वो यहाँ बैठ के टीपू आपके लिए कह दिया है जो मैं ऑन टीवी बयान नहीं कर सकता। नहीं करे वाकई में, उनको ऐसा लगता है कि आपने ये गलत फैसला लिया है, ये बचकाना फैसला। अभी इन्होंने मुझसे कहा जिसने टॉस जीत लिया वो मैच जीत गया। टीपू आपको वो इंडोर्स नहीं कर रहे, कह रहे हैं आपने गलत फैसला लिया है, टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने क्यों लिया? आगाज से टीम इख्तिलाफात का शिकार। टीपू भाई मैं होता छोड़ के चला जाता। इत्तेफाके राय में बिलीव करते हैं, तो वहां से बहुत पेजर राय है। यानी मेंटोर की कोई हैसियत नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि पूरी टीम अदनान भी के अगेंस्ट सोच रही है? आप एक पेज पर नहीं है। आप कह रहे हैं ये बिना वजह दोहाई है, मुझे बुलाया क्यों है यहां? भाई विकेट खराब हो जाएगी, इधर आ जाओ, विकेट खराब नहीं करनी, इधर आ जाओ। कैसे बोल रहा है यार ये अपने मेंटोर को, थोड़ी है वो मेंटोर है वो। नहीं यार, मैं माफी चाहता हूँ, फिर सोच ले, लेकिन हम बॉलिंग करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि मेंटोर को साफ जो है इन्होंने पूरी टीम मना कर दिया, बिल्कुल मुंह पे, मतलब डायरेक्ट ही हो गए मेंटोर से। मैं होता अदनान सिद्दीकी के यार छोड़ के चला जाता, कोई जा ही नहीं रहा क्या? अदनान सिद्दीकी भी छोड़ के जाएंगे? नहीं जा रहे, वो वहीं बैठे हैं। समी जी, कैसा रहेगा पहला बैटिंग? आई थिंक हमारा डिसीजन यही था, हमारी टीम ने ही प्लान किया था कि बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे, तो आई थिंक हमारे लिए अच्छा डिसीजन था, वही हम चाहते थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट में अब तक जितने मैचेस हुए हैं जो हारने वाली टीम है टॉस वो यही कहती है कि जी हमारा यही डिसीजन। अच्छा, तो ये पैटर्न है? पैटर्न है। लेकिन आप हमारा देख लें, हमने जब भी टॉस जीता हमने हमेशा पहले बैटिंग की है। अच्छा, हमने कभी इस तरह नहीं किया कि हमने अगली टीम को दावत दी। अच्छा, तो अब क्या आपके ख्याल में गलत फैसला टीम में आगा शराब? आई थिंक चेज का एक प्रेशर होता है, क्योंकि लास्ट मैच भी जो हमारे इनका हुआ था इन्होंने 92 किया था, तो हमें बहुत तरीके से गेम खेलनी पड़ी क्योंकि चेज का प्रेशर होता ही होता है। सो आई थिंक इट्स अ चांस अगर ये विकेट शुरू में लेके, क्योंकि प्रीवियस गेम जो देखी हमने उसके अंदर इन्होंने अगली टीम को बहुत जल्दी आउट कर लिया था, सो दे आर टेकिंग देयर चांसेस। लेकिन आई थिंक इस गेम के अंदर पहले बैटिंग हमेशा एडवांटेज होती है। वसीम छोड़े इन बातों को, आपको क्या लग रहा है कौन से इन दोनों में कौन जो है वो क्रिकेट जो है वो सोच समझ के खेल रहा है? यार मुझे, मैं भी अगर क्या जुमला था, वाइफ तो मुझे क्रिकेट की वाइफ है, अदनान भाई को क्रिकेट की वाइफ कहते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि समी भाई ने बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट समझ। आपको क्या पता है क्रिकेट के बारे में? आप होस्टिंग करें, आप टॉक शोज करें, ये तो अभी आपको पता लगेगा ना, एम्पायरिंग आप देखें। मुझे ऐसा लगता है ये फाइनल, मैं जवाब फाइनल होता है, फाइनल ग्राउंड में जवाब दूंगा इनको। बैटिंग देखे, आप प्रेशर डालें और चेस करवाएं, उसमें प्रेशर आता है। हाँ, और एक चीज, अगर एक दफा अगर मैं मैट्रिक में पास हो गया तो इंटर में आ चुका है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दोबारा मैट्रिक में जाके दोबारा इंटर में आऊंगा। अरे एक दफा भाई, एक दफा अगर आपने एक टीम को जल्दी आउट कर दिया, बार बार थोड़ी होगा ये। हाँ, ऐसे ही बार बार। तो आप लोगों ने पहले इसमें मुशावरत ही नहीं की थी कि टॉस जीत के क्या करना है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे बुलाया क्यों था? अदनान भी प्यारा बच्चा, मैं मुझसे ये डिस्कस तो करते हैं क्या हम अब आगे 6 ओवर खेल लें? मेरे ख्याल से मेंटोर को ऑन कैमरा इग्नोर किया जा रहा है। अब आप देखिए, मैं अपनी जैकेट उतार रहा हूं। नहीं नहीं आप नहीं, फाद आ रहे, फाद आ रहे, एक मिनट, एक मिनट। अब आप देखिएगा एक मेंटोर के साथ क्या हुआ है और अब दूसरे मेंटोर के साथ क्या होगा। अच्छा अच्छा, ओहो, मेंटोर भी आ गया। तालियां बजाओ लड़कों, तालियां बजाओ। अरे भैया काम करवा रहे टीम से। एक्चुअली मेहरान टाइगर्स के मेंटोर ये है, मेंटोर की इज्जत ऐसे की जाती है। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट।
तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लव यू अदनान भाई। इतना फर्क भाई, इतना फर्क। अपनी टीम का मोराल गिरा दिया, बात तो आप कर नहीं सकते। हार जाए मेरी टीम कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो है मेरे लिए। थैंक यू, लव यू। माइक अदनान भाई उनको माइक तो दो अपना, हम क्यों दे माइक। माइक तो दो यार, खुद गया माइक। मैं भी जीतो पाकिस्तान होस्ट कर रहा होता ना, ऐसी तालियां पड़ती मेरे लिए भी। अच्छा, अपने घर की कुछ नहीं है। अरे जीतो पाकिस्तान फहद की वजह से है। अच्छा नहीं, पाकिस्तान की वजह से है जीतो पाकिस्तान। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, क्या बात। और बात इमोशनल मार मारेंगे। मैं तो एक मेंटोर की लिए आया था। अच्छा, वो मेंटोरिंग होती है, कोई मशवरा होता है, मगर कोई बात नहीं, अब जाओ मैदान में खेलो, भाड़ में जाओ, दिखाओ और जीत के दिखाओ। और आपको इसके साथ साथ एक बात और भी बता चले, दोनों टीम का अंपायर है, हमारे सामने तीन ट्रॉफी हैं, और एक जो जीतेगा उसको मिलेगी एक रनर अप की और एक मैन ऑफ द मैच की, लेकिन घर नहीं लेके जानी क्योंकि सीजन टू भी करना है, उसमें भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये करके वापस पूरी 1500 की ट्रॉफी बनी है, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो जनाब मेरे ख्याल में वसीम अंपायर साहब, सॉरी आज मैं आपको फिर से टॉस होगा, क्या होगा, मैं आपको वसीम बार बार कह रहा हूँ, गलत हो रहा है। मैच होने वाला है, अंपायर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैच शुरू किया जाए। Sami Khan from Mehran Tigers. Fahad Sheikh from Mehran Tigers. Agha Shiraz from Ravi Raiders. Enjoy kare guys. All the best, both the teams. Have fun. पहली बॉल आगा शिराज ने पहली बॉल कराई है और बहुत ही अच्छा शॉट और कंफ्यूजन। हसन नियाजी मुर्गियां पकड़ने की चूंकि बचपन में प्रैक्टिस नहीं है लिहाजा बॉल भी नहीं पकड़ पा रहे। ये टीम काफी कंफ्यूज लग रही है मुझे, काफी देर से छक्के इतने प्रैक्टिस में मार लिए हैं कि एक रन भाग पा रही है। आगा शिराज इंतहा गुस्से में बॉल को बहुत ही टाइट से पकड़ते हुए और वाइड बॉल करा दी है और फाइनली वसीम बादामी को वाइड का इशारा आता है। इस पे अलग ही तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, ये नहीं देख रहे वो मासूम बच्ची जो पीछे खड़ी है, आगा शिराज अपना जुस्सा नहीं देख रहे जिस तरह से वो बॉल करा रहे। और ये शानदार शॉट आगा शिराज ने अपने 2.5 किलो के पांव से रोका है। आगा शिराज का मोच भी आई है, मोच नहीं है भी, आगा शिराज का नाखून निकला हुआ, आगा शिराज से निकला है। आगा शिराज इंजर्ड, आगा शिराज इंजर्ड पट्टी और नवीद रजा ने शानदार बद्दुआ देके पहली ही बॉल पर उनको डग आउट में भेज दिया है। आगा शिराज जूता उतारने लगे, हार्ड बॉल से खेल रहे हैं। ये टेनिस की बॉल नहीं थी जी, रिएक्शन उनका हार्ड बॉल वाला है, उनका पांव फॉर्म का है, असल में मसला ये। सर आगा शिराज ने जूता उतार दिया है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में करीब जाएं। ऐसी लग रही है, नाजुक है, घबराओ नहीं, आप अपनी बैटिंग करें। उनका नाखून निकला हुआ, वो कह रहे हैं पहले से जरा इंजर्ड, नाखून निकला हुआ, आपकी कमेटी निकली है, उनका नाखून निकला है। नवीन वकार इज डिस्गस्टेड, आई डोंट नो। अच्छा वो है अदनान भाई का दिल और आगा शिराज का नाखून टूटा हुआ इस टीम में इस वक्त। ऐसा ही दो मामला, ऐसा ही आगा शिराज के लिए तालियां होनी चाहिए। एक बार फिर आगा वापस आए, मेहरान टाइगर्स भी तालियां बजाए आगा शिराज के लिए, नवीद रजा इन पर्टिकुलर। शाबाश शाबाश। और आगा शिराज दो मशवरे के साथ गेम हो रहा है पूरी टीम का, दो बॉलों पर दो रन दिए हैं आगा शिराज है। और आगा शिराज एक बार फिर अपने टूटे हुए नाखून के साथ वापस और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा। वसीम बादामी, आप आउट क्यों नहीं दे रहे? वसीम बादामी ने आउट नहीं दिया। मैं भी कह रहा हूँ इसका थर्ड अंपायर लेने जो कुछ नहीं पता लगेगा। मुझे लगा है नॉट आउट नहीं है, मतलब नॉट आउट है। भी नहीं लिया। अंपायर ने जो बात कह दी है वो अंपायर थर्ड अंपायर लो, थर्ड अंपायर ले, आपके पास एक हक है। चले मैं ले लेता हूँ, पहला है ले ले। और ये देखे बड़ा एक एक फ्रेम, एक फ्रेम आउट 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 क्लियर आउट है, ये आउट आउट देखे, आउट आगे देखे, आउट ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये वसीम बादामी, ये आउट है।
मैं वहां से देख के बता रहा हूं फाउल आउट है ये आउट था वसीम बादामी जो कहेंगे वही होगा वसीम बेल उड़ गई आप क्या देख रहे हैं इतना घुस के इसमें भाई खिलाड़ी प्रेशराइज नहीं करे बहुत ही क्रूशियल हो सकता है ये डिसीजन पीछे बस दिस कैन गो आइदर वे बैट्समैन नहीं लाइन बिलोंग्स टू अंपायर की डिसीजन बिलोंग्स टू अंपायर देखो आप सही करें आप अंपायर डिसीजन दिया वसीम बादामी दबाव में लिया आप मुझे देखें और बगैर दबाव के डिसीजन दे क्या डिसीजन है ये आई बॉल और ये लगी और बैट्समैन कहां पे और ये आउट दे दिया है जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था इतनी प्रैक्टिस के बाद पहली ही बॉल पर आउट हो गए हैं फाज शेख हाईएस्ट स्कोरर किंजा हाशमी फ्रॉम मेहरान टाइगर्स टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर और पहली बॉल पर रन आउट हो गए सर उसमें सर, सीधा सीधा ये जो कैमरा टेक्नोलॉजी इधर लेटेस्ट यूज हुई है हाँ. बहुत अच्छी हाँ, तो उसका क्रेडिट है क्योंकि माशाल्लाह आप भी आ जाते हैं अंदर और बाकी भी रिश्तेदार आ जाते हैं तो होता ही है फिर अंपायर भी बेचारा क्या करे पहले नॉट गुस्सा आ रहा आप पर है मुझे आप पर है, आपका काम नहीं बनता था अंदर आना लेकिन चले जाएगा होता है अंपायर की कॉल है अंपायर की कॉल है यही मैं कह रहा हूं और ये छक्का दे दिया पहला छक्का अगर ये देखे फिर बोलेंगे चुप करके बैठे रहो उधर अगर यहाँ से ऊपर आई फुल टॉस तो नो बॉल माइनस की बात है तो है तो आप देख रहे हैं अच्छा ओ तो मैं पहले छक्का दे दूं उसके बाद नो बॉल भाई यार बैठ जाओ खुदा के वास्ते क्या बोल रहे हैं छह है ये छह दौर काफी लुच्चा मैच दौर है दो बॉल नहीं है दो बॉल यहाँ होती है यहाँ नहीं होती यहाँ नहीं है यहाँ थी तुम्हारी कमर यहाँ है मैंने कहा नहीं ये बॉल ये चुप कर जा तुम लोग बात चेक रिव्यू मांग रहे हैं दो बॉल है मैं किंजा हाशमी से पूछना चाहता हूँ किंजा क्या आप रिव्यू चाहती हैं या आप ड्रॉप चाहती हैं भाई आप यार अंपायर को चुप जज करने दो ये तुम्हारे खिलाड़ी वो तुम्हारा खिलाड़ी यार मुझे प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम इधर आ गए तो अंपायर को जज करने दो मुझे ऐसा लग रहा है कौन थे ये कैसे आ सकते हैं टीम के अंदर तुम्हारे खिलाड़ी मैच में मुझे ऐसा लग रहा है वसीम बादामी प्रेशर में आ गए अंपायर का फैसला आखिरी होगा बस वसीम आपको क्या लगता है बेल्ट से ऊपर रिव्यू ले रहे हैं उनको लेने यार ये स्ट्रेंजर इन द हाउस क्यों है क्या है किक आउट क्या हो रहा है कोई कार्ड भी नहीं है मेरे पास मैं दिखा सकूं मैं क्या करूं ना विजिटिंग कार्ड देखिए विजिटिंग कार्ड दिखा सकूं मैं रिव्यू देखिए आ जा रिव्यू देखिए कैसे खेला है ये देखें कहां से खेला है ये देखें ये कहां नीचे है भाई सीने पे से खेल रहा है रिव्यू में आप देख सकते हैं कहीं से भी मारो बेल्ट से नीचे तो यहीं से मारोगे और कहां से मारोगे बॉल यहाँ आएगी तो कहां मारोगे माफ कर दें अदनान भाई अगर बॉल यहाँ आ रही है तो कहां मारोगे अदनान भाई माफ कर दें माफ कर दें यार बिल्कुल सही बॉल है बिल्कुल सही बॉल है बिल्कुल सही बॉल है वसीम बादामी आपका फैसला हतमी है देखिए कि वेस्ट आई है या नहीं है और प्लीज कोई मेंटोर और कोई प्लेयर जो है अंपायर के पास नहीं जाएगा थैंक यू करो तो एक दफा आखिरी दिखा दें ये भी बड़ा पक्का है भाई Okay, it's a no ball. It's a no ball. It's a free hit. और चौथी बॉल फेंक चुकी और एक और शानदार ड्रॉप कर दिया फ्री हिट पे कुछ नहीं हो सकता टीपू जज्बात को तो जज्बात काबू में रखें मुझे लगता है और कोई क्या कर लिया फ्री हिट में क्या कर लिया फ्री हिट में अदनान भाई जज्बात पे लास्ट बॉल बात बहुत मुश्किल हो गया आज मुझे ऐसा लगता है ये वाहिद कप्तान है जिसकी कोई सुन नहीं रहा बेचारे की कोई ऑप्शन नहीं लेगा शॉट का आजाद होके यॉर्कर्स विकेट में करा दे हो सकता है बोल्ड हो और सिंगल रोकना है टीपू कह रहे मुझे पता है अब देखते हैं क्या होता है और बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा सभी खान ने किया फुटबॉल खेलने की 10 रन पहले ओवर में निकाल लिए सभी खान ने बहुत ही अच्छे एक खिलाड़ी के नुकसान पे फाज शेख की विकेट गवाई है आई थिंक इट्स क्वाइट अ मेंटेन्ड ओवर क्योंकि पहले ओवर में 16-17 रन चाहते हैं और विकेट भी नहीं जाती और विकेट भी नहीं जाती तो बहुत ही अच्छा ओवर मेरे ख्याल से ये ग्रीन वालों ने कराया और इस विकेट की प्राइस भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि हाईएस्ट रन गेटर थे फाज शेख अब देखते हैं समी खान आज क्या करते हैं मिर्जा जैन बेग फ्रॉम रावी रेडर्स जैन की टोपी का टोटका अभी तक काम कर रहा है और आगा सिराज 6 बॉलें करके हांफ गए हैं मतलब क्या ग्राउंड से बाहर चले जाए ऐसा बस दिल किया और जैन जो है बिल्कुल ही किसी की नहीं सुन रहे हैं अपनी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉलिंग से पहले और समी खान बॉल को बहुत नजदीक से देखते हुए और ये शानदार छक्का
सभी खान का शानदार शानदार है कि पूरी बॉल एक मिनट नो बॉल नो बॉल अदनान भाई एम्पायर से पहले आपने कुछ छक्का बोला है सॉरी गलती हो गई मैं कमेंटेटर आप मेरी अथॉरिटी में इनवेड कर रहे हैं अंपायर से पहले कोई छक्का हो ही नहीं सकता आखिरी छक्का पहला छक्का अंपायर आइए भाई अंपायर जो कहेगा वो सही है अदनान भाई एक मिनट बोलो भाई हम कहते हैं ऐसे मौके पे एरियल जो कि पावरफुल क्लीन विच रिमूव्स 99.9% ऑफ बैक्टीरिया आप ब्रांडिंग कर रहे हैं चलो ये हुई ना बात ये शायरी जरूरी है ट्राई कर हिम्मत से एक वन फॉर द ओवर तो है बॉलर को मैं ये जानना चाहता हूं मेरा इंटरेस्ट इधर है अच्छा खासा बॉलर है वो बेचारे को रन करो कोई बात नहीं रन भी भागेंगे आप स्कोर ठीक है समी भाई ठीक है और बहुत अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी बैटिंग जिम्मेदाराना बैटिंग हो रही है और मुझसे पीछे से पूछा जा रहा है कि अदनान सिद्दीकी का माइक अगर बंद कर देंगे तो क्या वो नाराज हो जाएंगे मुझे बंद कर दो और ये बहुत अच्छी बॉल जैन की क्या बात है तेरी शहजादे शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए जैन जैन ने समी का स्पॉट पकड़ा हुआ है और उसको ऑफ पे यॉर्करे मार रहा है वो अलग बात है कि स्पॉट पकड़ने पे अमूमन छापा पड़ने का भी इम्कान होता है और इसी दौरान नवीन का जो शॉट आया बहुत ही खूबसूरत क्लोजअप था नवीन के शॉट पे सनसिल्क फरमाते हैं कि बाल संभालेंगे शान से शाइन भी बनाएंगे व्हाट अ शॉट 6 रन मैंने उनको 6 पड़ा जैन ने टॉप उल्टी मैंने 6 दिया ओ भाई तुम इशारा करो बोलेंगे तो हम उसके बाद बोलेंगे ना मेरे इशारे के बाद आपने पहले 6 रन तुम समझो कमेंट्री बॉक्स की अंपायर को आवाज नहीं जाती तुम अपना इशारा करो नहीं लेकिन गलत कान में रुई डाल लो जा रही है ना बस कान में रुई डाल अब आप कहें 6 रन छक्का अंपायर ने कहा पहला छक्का आखिरी छक्का हमने कहा छक्का जो अंपायर जिसको छक्का कहेंगे हम उसको छक्का और चौथी बॉल हो चुकी है पांचवी बॉल आ रही है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा और गुड बॉल खेल रहे हैं और चाहते तो दो रन ले सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली समी खान ने इसी में बेहतरी समझी के सिंगल ले और शाबाश किंजा शाबाश कह रही है फिट है मुंह ये रन क्यों लिया है मैंने क्या बिगाड़ा था और अब देखते हैं सब बता रहे हैं किंजा को और ये छोड़ दे नहीं पकड़ना ओ ठुमके से रोका और दिखाया है जैन ने कि वो डांस भी कर सकते हैं फिल्मों का फ्यूचर ब्राइट है उनका और बहुत ही अच्छी बॉल नवीन की एक छक्का भी जाया होना बोनस है और ये छक्का समी खान पहले ने बोल दिया कि ये दे हीरो है शॉट तो देगा आकाश राज आए अपने ओवर की पहली गेंद फेंक बाबा ने ऊपर से चुहारे फेंके ओवर एक्टिंग के दौर पे काटे इस पे हम वसीम बादामी इस पे मैं डिमांड करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप फ्रीड देंगे क्योंकि हमारे प्लेयर डर जाते हैं और नवीन का ये ओवर कर लिया मुझे बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकता है और बहुत ही अच्छी बॉल नवीन की इसी तरह पहली बॉल पे नवीन ने एक एक छक्का भी जाया होना बोनस है आप चेक करें नवीन ने बेसबॉल की तरह पिच किया है बॉल को ये चेक करें आप बिल्कुल ही शानदार शॉट छक्का बहुत ही सॉरी ये छह हो गया ये हो गया छह अल्फाज वापस लो वापस छह हो गया अब बोलें छक्का छक्का और आपको एक और बात बताऊं फाद भाई यार मैं इनको संभाल लूं इनको समय क्या करने की तरफ ताकि फाइनल में 10 पे लगने का चांस बढ़ जाए आई होप सो नवीन तीसरी बॉल कराते हुए 29 रन स्कोर हो चुका और एक और बहुत ही अच्छी और जनाब ये डबल बोनस मिल गया डबल बोनस ये नवीन की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग अब देखते हैं नवीन क्या कर पाती है आगे और अगर एक बॉल और बीट हो गई और नहीं हुई और था लेकिन नहीं और बोले सभी ने देख के खेला बॉल को दस से बचाते हुए और देखते हैं कि नवीन जड़ में बॉल करा पाती हैं या फिर नहीं और नवीन ने इस वक्त बॉल उठाई और शानदार शॉट समी का ठीक है आखिरी बॉल कराने जा रही है 41 तक स्कोर पहुंच गया और एक और छक्का दे दिया है नवीन के लिए तालियां बजानी चाहिए आपको जाओ के वापस रहो तो जनाब अब वक्त हो गया एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का सांसों में बाकी है दम रोके कैसे खुद को हम आगे बढ़ने वाले कदम रुकते हैं हम दम हारेंगे कैसे हम तो तूफानों के जैसे हार से भी जीत जाए इत
कितनी आग बाकी है आंखों से मिला के आंखें तो दिखा रे आ जा रे आंखों से मिला के आंखें तो दिखा रे आ जा रे बहुत ही उम्दा काशिफ भाई, बहुत ही उम्दा काशिफ ने जनाब हमें एंटरटेन किया इस दौरान। खवातीन उजाद तीन ओवर में 47 रन हो चुके हैं, आधी सूरत हाल काफ़ी कशीदा नजर आ रही है, मजीद तीन ओवर रहते हैं और लग रहा है कि बात अब 90 से ऊपर चली जाएगी। सलमान सईद फ्रॉम रॉबी रेडर्स। अचानक से जो है समी खान पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आधी इंडस्ट्री को उन्होंने वैसे ही संभाला हुआ है, अब देखते हैं कि ये काम भी ये संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। हैं नहीं नहीं संभाला हुआ है। सलमान सईद आए हैं बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए। हाशमी फहद क्या लगता है आपको, किंजा कोई सरप्राइज दे सकती है सलमान को? अभी किंजा और सलमान ने तस्वीर भी खिंचाई है साथ में, अब देखते हैं सलमान क्या करते हैं। अच्छा, तस्वीर खिंचवा के अगर इन्होंने आउट कर दिया तो फिट है मुंह है भाई, देखते हैं क्या कर पाती है किंजा। सलमान सईद ने बॉल कराई, मैं वसीम बादामी इसे कहते हैं बिल्कुल ही घटिया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना, ये वायात जब लड़की कह रही है जब लड़की एक मिनट चलो ये लोग कर ले मैं चला तुम ये कर ले लड़की आ जाए वसीम भाई लड़की आप लोग कर ले चाय पिए चाय मंगाई आप सब यार आप क्या कर रहे हैं। अंपायर को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद वो टेक्निकली जब कैच पकड़ा जाएगा तभी आउट होगा, तो उसका तो फन कांड था। सलमान सईद जो है अपने चौथा ओवर में से दूसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं, किंजा हाशमी खड़ी हुई है दोनों हाथ से बल्ला लेके और जगह दी उन्होंने थोड़ी सलमान सईद को। चले सलमान सईद आए बॉल फेंकी, किंजा ने बल्ला घुमाया, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे भाई टीपू भाई बूढ़ी आंटियों की तरह। और शफात शफात मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइन ऑफ बॉल में थे, अबे माफ कर दे, नहीं नहीं टीपू भाई मैं बात कर लूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीपू ने वाकई जेन्युइनली मिसफील्ड किया, उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया। ये मिसफील्ड थी नहीं है, ये जो हाथ ऐसे किया है ये क्या था, क्या करता वो हाथ लाता भाई, यहाँ के प्लेयर कह रहे हैं 6-6 फुट की लाशें इनके पास है, कर ले मेरे क्या यार मम्मी ही कह दिया है। चले जी जल्दी से बॉल फेंके, लेने के तमाम भर में नाकाम होंगे ये बता दूंगा। यार वसीम एक बात बताएं, आप सिर्फ वो क्योंकि सीनियर हैं आप उनकी बात सुने जा रहे हैं, अब वाले साहब की उम्र के खादनी में क्या ठीक है यार वसीम भाई, ये क्या बात हुई यार, वाले साहब की उम्र है फिर तो ठीक है, वाले साहब की उम्र के हैं तो ठीक है। सलमान सईद ओवर की तीसरी बॉल फेंकेंगे, समी खान तैयार खड़े हैं उनको छक्का लगाने के लिए। सलमान सईद आए बॉल फेंकी और ये छक्का, छक्का वसीम बदामी का इशारा, अंपायर वसीम बदामी बेरहमाना इशारे करते हुए बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे आज वसीम बदामी, और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले आए, हाँ जी बहुत अच्छे। सलमान सईद आए बॉल फेंकी, समी खान ने मारा जैन फील्ड करते हुए और सिंगल ले लिया, 55 रन हो गए। फहद आप वहाँ डग आउट में मौजूद हैं, आपके की प्लेयर फहद शेख आज परफॉर्म नहीं कर सके, डक पे चले गए, बड़ा क्रूशल हो गया टीम के लिए सर्वाइव करना। फहद शेख इस वक्त तपे हुए हैं क्योंकि नए नए हिट हुए हैं तो उनका तपना बनता है इस वक्त, बाकी ये लोग इतने तपे हुए नहीं है, अभी बॉलिंग का टाइम आएगा। लेट्स सी, ये कह रहे हैं कि सब आपने किया है, आपका कमीनापन था कि आपने आपने चुल डाली। सुकून यार ये इससे ज्यादा इससे ज्यादा वाहियात क्रिकेट में सर्जन खेल रहे हैं अपना, इतने नाजुक पता नहीं क्यों हो गए। किंजा 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 अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो ये सब कुछ। किंजा वेल प्लेड, गुस्से में किंजा के बाल नीचे से कर्ल होते जा रहे हैं। सलमान सईद अपने ओवर की आखिरी बॉल फेंकेंगे समी खान को, सलमान सईद आए रन पे भागे, हाथ घुमाया बॉल फेंकी और समी खान ने अच्छे पहुंच के डबल लेने लगे लेकिन नहीं लिया, और सलमान सईद किंजा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, हालांकि अटखेलिया कर रहे हैं, हालांकि कोई तरीका ये क्या है, अंपायर ने इसका नोटिस ले लिया, क्या है उसकी अभी शादी भी हुई है उसकी, अंपायर आपके होते हुए वो किंजा कितने से पहले कर रहे हैं, सलमान सईद किंजा से फ्लर्ट कर रहे हैं। हाल मैं चाहता हूं भाभी ये मैच आप टीवी पे देखें, एक्टिंग की हद तक ठीक है, क्रिकेट में क्या फ्लर्ट होता है भाई।
Hassan Niazi from Ravi Raiders. Come on, boys. नाजरीन पांचवा ओवर शुरू हो गया. पहली बॉल नियाज़ी साहब हाई बॉल फेंकी और ये चौका. ठीक है चार रन नहीं हुआ चौका हुआ. हसन भाई आ रहे हैं समी खान कप्तान वाली इनिंग खेलते हुए आगे बॉल फेंकी और शानदार. बिल्कुल ठीक है बहुत ही शानदार शॉट सिफर रन के लिए. बहुत आला पीछे की बॉल नहीं खेल सकता इसको कराते रहो पीछे की बॉल. इस वक्त हसन नियाज़ी को टिकाने की प्लेट की सख्त जरूरत है और ये छक्का. समी खान पहले ने बोल दिया कि ये देख हीरो है शॉट तो देगा. ये छक्का भी था और मुंह तोड़ जवाब भी था टीपू भाई को. इसमें खलील रहमान कमर वाला डायलॉग भी दे दे. टिपू टिप देने हसन के पास गए लेकिन हसन नियाज़ी का बार बार की टिप्पे मत दिया करो मैं तुम्हारा बेल बॉय नहीं हूँ. जिसके बाद हसन नियाज़ी ने शरीर बदला लेते हुए बोल कर दिया बोल मार दिया. विकेट उड़ के गिरी है भाई. ये अच्छी बॉल नहीं बड़ा बॉल ले डूबा बॉल भाई को. सलमान भाई प्लीज आ रही है आप मुझे मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने. ग्रीस है जो फ्री होगा. फैजान शेख फ्रॉम मेहरान टाइगर्स. आदि क्या लग रहा है आपको क्या फैजान शेख चार बॉल हो चुके दो बॉल रहती है 67 स्कोर बढ़ता हुआ दो विकेट उम्मीद है लेकिन मुझे ये क्योंकि फाइनल है इसमें कुछ भी हो सकता है और हसन नियाज़ी बड़े क्योंकि आना तो हमारी तरफ ही चाहते हैं लगे आदमी के वाइट बॉल करा दी और वसीम बादामी ने अपनी बाहें फैलाते हुए वाइट का इशारा दिया. वाइट का इशारा यार फिर आप फिर आगे लेकिन कोई बाउंड्री ना हो सकी. रन ले लिया सिंगल. किंजा आ गई बैटिंग पे ओवर की आखिरी बॉल पे. किंजा किंजा अपनी जुल्फों से शॉट खेलो. अपना अपना लेफ्ट प्रोफाइल यूज करते हुए ये वाला उम्दा शॉट और बहुत जोर की सिफर वाली शॉट. सिंगल नहीं लिया ताकि अगले ओवर में फैजान खुद बैटिंग पे आए. बहुत अच्छे किंजा बैट कैरी करना है. किंजा इसी बैट से सलमान सईद की कुटाई होनी है थोड़ी देर में. आगा शिराज फ्रॉम रावी रेडर्स. आगा शिराज आए अपने ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए. अल्लाह ओ बाबा ने ऊपर से चुहारे फेंके. ओवर एक्टिंग के दौर पे काटे इस पे हम. नहीं मैंने कहा कह दिया ओवर एक्टिंग में बजट के पैसे कटेंगे यार इनको बिठाओ भाई. अपना वसीम बादामी इस पे मैं डिमांड करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप फ्रीड देंगे क्योंकि हमारे प्लेयर डर जाते हैं. अच्छा किंजा का हार्ट बड़ा सॉफ्ट है वो फेल भी हो सकता है. पॉइंट टेकन इसमें मैं गौर करूंगा. आगा भाई अपने ओवर की फिर से पहली बॉल कराने के आ रहे हैं भागते हुए आए हाथ और ये नो बॉल ये फ्रीड मिलनी चाहिए क्योंकि बट्टा मारी है. दो फ्रीड दो इस तरह दो फ्रीड तुम्हारी ऐसी दो फ्रीड इस तरह बॉल यार ये लोग क्या करेंगे भाई. इन्होंने तो बॉल ही नहीं मैं फैसला दूंगा. नो बॉल नो बॉल इट इज. मैं अभी देता हूँ अपना फैसला देता हूँ पहले नो बॉल इट इज. वसीम भाई नो बॉल. वसीम बादामी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे. आप बोले आप बोले होती है ना. नहीं नहीं सॉरी ये बॉल काउंट नहीं हो सकती किसी भी हालत में. अदनान सिद्दीकी अंपायर ये क्या बात हुई. मैं नहीं आप लोग बात एक मिनट अदनान क्यों वजह क्योंकि ये नो बॉल नहीं है यार ये गलत बॉल तो गलत बॉल क्यों कराई उसने. नो बॉल इट इज. पहले उसने हमारी प्लेयर को डराया धमकाया सहमाया तो उतर आया. ये क्या है आप लोग बैठ गए अपना फैसला. हम बैठ जाते हैं हम बैठ रहे सर हमें भरोसा है आप पे सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं पपिया नहीं लेंगे कोरोना है. आखिरी बॉल का डिसीजन इन्होंने धमकी दी है मुझे लेकिन मैं धमकियों में नहीं आऊंगा. अच्छा भाई दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ बॉल और आप
फ्री हिट नहीं है, फ्री हिट नहीं है, बट नहीं नहीं वसीम भाई नहीं नहीं दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ बॉल, यानी कि आपको रन मिलेगा इसमें, रन मिलेगा इसमें, बॉल काउंट नहीं होगी क्योंकि ये दिस नॉट बेटर। चले बाहर ने कहा रन मिलेंगे आपको पूरे छे लेकिन बॉल नहीं काउंट नहीं होगी, लेकिन ये नो बॉल नहीं है, ये फ्री हिट नहीं है, बस नो बॉल और फ्री हिट नहीं है। थैंक यू वसीम बादामी, वी रिस्पेक्ट यू इवन मोर। थैंक यू सर, क्या इंसान है आप। आगा शिराज जो है फिर से तीसरी मरतबा अपने ओवर की पहली छह की छह बॉलें फेंकी, कुछ करके आना है। आगा शिराज आए पहली बॉल फेंकी और नहीं बेल्ड ऑफ नहीं हुई, बॉल आउटों के बीच में से निकल गई लेकिन बेल्ड ऑफ नहीं हुई। आगा जानी खुद देगा विकेट। आगा शिराज रेडी है अपने ओवर की दूसरी बॉल फेंकने के लिए, रेडी है सर, ने रेडी का इशारा किया। ओके फैजान शेख रेडी, किंजा रेडी, शिराज ने बॉल फेंकी और ये छक्का खा लिया। सिक्स इट इज। आगा आगा फहद शेख को बाबा जी ऊपर से वट्टे मार रहे हैं, फहद मुस्तफा को फहद शेख अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हुए। आगा शिराज बिल्कुल, आगा शिराज फिर से आई थी तीसरी बॉल फेंकने के लिए, बॉल फेंकी फैजान शेख ने बल्ला घुमाया राइट इनटू द ब्लॉक होल, नहीं लग सकी ज्यादा। अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हुए आगा शिराज ऊपर नीचे के जोर लगा रहे हैं। अरे नहीं होता तुमसे चेस जैन। नाजरीन चौथी बॉल फेंकने जा रहे हैं, फेंकी फैजान शेख ने मारा फील्ड की और रन नहीं लिया क्योंकि फैजान चाहते हैं कि वो ही बैटिंग करें। अच्छा कमबैक है बॉयज, बहुत अच्छा कमबैक है, अच्छा हो गया होगा। अगले दो आगा शिराज आए बॉल खिलाए, टॉप एज हुआ कहीं जा सकती थी बॉल लेकिन बॉल इंदा बाबू, इंदा बाबू, डबल 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 सिंगल, एक रन, एक रन, सिंगल। रूल एक है, रूल 1 का है, बॉस स्ट्राइक चेंज होगी, एक रन है लेकिन ट्राई एक रन मानी जाएगी या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक रन तो भाग गया है तो क्या इसे क्रॉसिंग माना जाएगा अदनान सिद्दीकी के बाद फिर मैदान में फुटेज खाते हुए और रनिंग हो चुकी है, वो किंजा एक रन आ गया है जनाब, किंजा किंजा ऑन स्ट्राइक हाशमी के सामने रनिंग हो चुकी है। वॉश करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, वॉश करो, किंजा के लिए एक ही पैगाम है जी। शिराज भाई अपने ओवर के आखिरी बॉल फेंकेंगे, किंजा फेस करेंगी, मेरे ख्याल से बॉल तेज थी, फजान ने सिंगल लेके 83 का स्कोर दे दिया। मेरे ख्याल से नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड ऑफ अ स्कोर, वेल डन बॉयज, इट्स अ गुड स्कोर, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड स्कोर फॉर फाइनल। और 84 रन का टारगेट मिला है जनाब, 84 रन का टारगेट है। फहद मुस्तफा आपकी ये टीम अदनान सिद्दीकी साहब जब हो जाएगा ना, आप जो इस तरह बार बार वहां पर आकर प्रेशर में ला रहे हैं वसीम बादामी को, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि वसीम बादामी को प्रेशर दें। वसीम आपको अच्छे खासे पॉलिटिकल नहीं को कोशिश करनी चाहिए प्रेशर में लाने की, मैं आ तो नहीं रहा ना इस तरह से, कोई बात ये तो वही बात है कि लोग पॉलिटिक्स वाले आए और आपको सिखाएं कि आप होस्टिंग करते हैं कैसे, इतना बड़ा दिल कर दिया ये बात। सर आपका वैसे ही बहुत बड़ा है सर दिल, क्या हो रहा है ये, किस बात की इतनी शोर शराबा, हर बात पे लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रहा है सब। देखो जानी जब फाइनल होता है ना तो फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है, प्लेयर्स पे भी होता है, सब पे होता है, तो अब वो एक प्रेशर है, सब पे दिख रहा है वो प्रेशर। दूसरी तरफ जैन भाई है, जैन भाई अपना बल्ला चेक कर रहे हैं, जैन भाई बताएं कि क्या प्रेशर है इस वक्त बैटिंग का या इजी है। नहीं फाइनल में हमेशा प्रेशर होता है और उन्होंने अच्छा स्कोर हमें दिया है, अब जाएंगे और एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। चैलेंज जबरदस्त। दूसरी तरफ समी खान की तरफ चलते हैं, मुझे बताएं सबसे पहले वही सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूं, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, दोनों टीमें अंपायर मेंटोर्स ये सब गली की तरह क्यों बीच में आ गए। देखिए प्रेशर है ना यार, ट्रॉफी है, ऊपर से सबने इतनी मेहनत की है फाइनल तक पहुंचने के लिए, तो हर बंदा अपनी एफर्ट करेगा कि तुम क्या चाह रहे हो क्या करें। नहीं ये सवाल है ना कि क्यों क्या वजह, प्रेशर में लड़ रहे हैं आप लोग या जिद बनाई हुई है कि फाइनल है तो नहीं, नहीं, नहीं जिद नहीं है, आई थिंक जो चीज गलत रूल है उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए कि अगेंस्ट, अगर आज आवाज नहीं उठाओगे ना आदि तो दब जाओगे। ये 23 मार्च का ना, 23 मार्च शो अलग दिन है, तीसरे ओवर तक अगर ये रुक गए तो 36 आ जाएगा हमारे हाथ में, उससे पहले 15 रन भी बना ले तो बहुत है। क्रिकेट इज बाय चांस, कुछ भी हो सकता है, हार सकते हैं जी सकते बहुत आला और छक्का नहीं करनी बाउंसर ने घुसा गया यार, जैन ने छक्का मारा 6 रन और अयाज ने को कह रहे अयाज समो का फटना बिल्कुल सही है, अगर ये विकेट चली गई तो इसका मतलब है कि ये कब भी चला गया।
और ये छोड़ दिया और छोड़ दिया और कब भी छोड़ दिया इसके साथ। सलमान सईद फ्रॉम रावी रेडर्स, मिर्जा जैन बेग फ्रॉम रावी रेडर्स, फैजान शेख फ्रॉम मेहरान टाइगर्स। जैसे ही वसीम बदामी कहेंगे लेट्स प्ले, गेम का आगाज हो जाएगा। सो वसीम, आपके इशारे और आपके कलाम का इंतजार है। ओके, वसीम बदामी के इशारे पे लड़के नाच रहे हैं आज। वसीम ने कहा लेट्स और सलमान सईद पर बहुत प्रेशर है क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा है। और स्कोर कितना है? फहद 84 रन का टारगेट है। 84 फहद शेख ने गेम ये हारे हैं। सलमान सईद तीन बॉलें आखिरी खेलनी थी उन्होंने फहद शेख की और तीनों बीट की और ये टर्निंग पॉइंट है इस गेम का। ये टर्निंग पॉइंट है और दोनों ही हाईएस्ट स्कोरर्स जो है पहली पहली बॉलों पर आउट हुए हैं। बिल्कुल, और मेंटोर की दुआएं रंग लाई हैं। जबरदस्त, फैजान शेख ने पहली बॉल पे ही विकेटें उड़ा दी और फैजान के चेहरे पर एक अलग ही तकब्बुर वाला एक्सप्रेशन आ चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा सेलिब्रेट कैसे करें। पीले जूते, पीली वर्दी और पीले चश्मे पहनने के बाद एक पीला सा गरूर आया वह में। नवीन वक्तार फ्रॉम रावी रेडर्स। सलमान ये क्या हुआ, कैसे हुआ? वेरी गुड यार। मेहरान टाइगर्स, ये कुछ बोल, मुसलसल दो मैच हो गए हैं आपको बोल्ड मार रहा है वो लड़का। ये फाइनल था, कोई डर, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? आप थोड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि फाइनल ये अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अच्छी बात है। 84 रन का स्कोर आपने चेज करना है, बहुत मुश्किल टारगेट है, लगता है कर लेंगे। मुश्किल है लेकिन जैन अगर खेलता रहा तो इंशाल्लाह जीत सकते हैं। जैन ने सब करना था, जब आपने, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप क्यों बोल्ड हो गए? अच्छी बॉल, जवाब दे मुझे, मुझे मुझे मिस हो गई, मिस हो गया। 6 के लिए था, लग सकता था इस पे 6 लेकिन मिस हो गई। आपके मेंटोर से पूछते हैं अदनान भाई, आपकी टीम का बेहतरीन परफॉर्मर पहली बॉल पे बोल्ड हो गया, क्या वजह है? प्रेशर। प्रेशर हां, किसने डाला भाई? ये तो दूसरी टीम ने डाला होगा। नहीं, आप डाल रहे, आप डाल रहे। मैं अब जो बंदा खड़ा है आपकी टीम का टॉप स्कोरर, हाईएस्ट स्कोरर, वेरी गुड फैजी, तो क्या करें हम? कोई उम्मीद है आपको या नहीं है? ऐसे देखिए, उम्मीद तो क्रिकेट इज बाय चांस, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब क्या हो सकता है? हार सकते हैं, जी सकते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग मजाक के की तरफ से रन नहीं बनाने दे रहे मजे की बात शफाद। मेहरान टाइगर्स ने डिसाइड किया है कि अगर लड़की को बॉल कराई और उसने कैच दिया तो ये कैच पकड़ेंगे और उसको आउट करेंगे। उसूली फैसला हो गया, साबित किया वो पकड़ने के बाद। बड़ी अच्छी बात है। ओ, फैजान शेख कह रहे हैं अच्छी बात, अच्छी क्रिकेट खेले हुए, जबरदस्त। जैन के मुंह पे तमाचा इनडायरेक्टली। नहीं नहीं, डायरेक्टली। ओ ओ ओ ओ, जैन की टागर काम पे नाजरीन। और नवीन प्रेशर में, नवीन कह रही है मैं ड्रामे भी संभालू, मैं क्रिकेट भी संभालू, मैं क्या क्या करूं? आया सम्मा फ्रॉम मेहरान टाइगर्स। नाजरीन, एक रन बना है पहले ओवर के इख्तिताम पे और एक विकेट है आयाज सम्मो बॉलिंग करा रहे नवीन को। नवीन ने शॉट मारा, अयाज ने कैच कर लिया। अयाज ने इतना सीरियस एक्सप्रेशन बना के ये कैच किया है, गुड स्पोर्ट्समैनशिप, जैसे नंद का चेक पकड़ा है इन्होंने। आगा शिराज फ्रॉम रावी रेडर्स। अचानक से मेहरान टाइगर्स खुश बहुत हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे मैच जीत गए, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता very positive, है। very आगा शिराज बहुत ही पुराने पापी हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कमेंटेटर प्लीज इस तरह का कमेंट ना पास करेंगे, टीम पे असर अंदाज हो। सॉरी, मैच अभी ओपन है, आप इस तरह के कमेंट ना पास करेंगे। मैं कह रहा हूं पुराने पापी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हां, ये ना बोलेंगे मैच वन साइडेड हो गया। मेंटोर, आपको अंपायर ने एक बेस्ट बॉल सिरप पिलाया। सॉरी, वो दूसरे मैच में आपको विजिटिंग कार्ड दिखा दूं। आगा शिराज जो कि खपे हैं। अयाज समो अपने ओवर की दूसरी बॉल फेंकेंगे और ये बॉल गई है और ये बॉल कराने गए। ओ, बॉलिंग। आगा शिराज ने जैन को मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी और वापस भेज दिया, हालांकि बहुत आसानी से सिंगल बन सकता है। मेंटोर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले कह रहा था वेरी नाइस, मेंटोर ने अपनी तरफ से सारी बात खत्म कर दी ये कह के उनकी कोई नहीं सुन रहा। अयाज समो आए, तीसरी बॉल, ओ माय गॉड, आगा शिराज ने और चार, और कप्तान ने मिस नहीं किया, कोई उन्हें गाली भी नहीं दे सकता। कमेंटेटरों के पैरों में आ गए फील्डर, इतना ऊपर से बल्ला मत ला। अयाज समो का एक्सप्रेशन,
कुछ नहीं हुआ, कप्तान ने मिसफील्ड किया, कुछ नहीं हुआ। अयाज सम्मो आज अपने हाई हील्स जॉगर पहन के आए हुए ताकि लंबे लगे। और बहुत, ओ माय गॉड, अयाज सम्मो, अयाज सम्मो अपनी बहुत ही लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए, आपने अयाज सम्मो के पीछे दुम चेक किए कितनी प्यारी है, बिल्कुल ही गुड लेंथ से बाल उठा रहे हैं। ये पीछे क्या है, ये पीछे दुम है, ये बग्स बनी है, ये दुम को स्ट्रेट किया हुआ है। इज इट डक सीजन और इज इट रैबिट सीजन? नाजरीन अयाज सम्मो आए अपने ओवर की बात देखने के लिए, बॉल नो बॉल और आगा चिराज ने नो बॉल दे दी ओवर सर। और मैं एज अ मेंटर अपनी टीम से कहूंगा कि इसका रिव्यू लिया जाए, ले लें रिव्यू चाहे तो। ओ, मेरे ख्याल से रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन अगर टीम की मर्जी है, लेकिन मेरी टीम ने भी मुझे भी पहली बार हाँ, एक धांसू डिसीजन दिया है, फ्री नो बॉल भी है, फ्री हिट भी है। आगा सिंगल लेना, जैन को स्ट्राइक पे लाना अगले ओवर पे। किंजा को बुला लिया गया है शमी खान ने अपनी जगह, और सिर्फ इसलिए ताकि क्लाइमर भी थोड़ा सा आ जाए और किंजा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। असल में शमी खान जहां खड़े थे वहां कैमरा से उनकी सिर्फ बैक आ रही थी। अयाज सम्मो अपने ओवर की पांचवी गेंद फेंकेंगे, जैन सामने खड़े हैं, फ्री हिट है ये, और छक्का नहीं करनी बाउंसर, गुस्सा गया यार, आज एक गुस्सा गया, क्योंकि ये एक ही तरह का दुख रखते हैं, हाइट दोनों की एक जैसी है तो समझ सकते हैं कि गलत बात है। और 13 रन हो चुके हैं और 0 रन, और ये बॉल नहीं पकड़ सके, बॉल ढूंढ रहे हैं। इनकी फील्डिंग के बारे में सारा पाकिस्तान जानता है कि ये कैसी फील्डिंग करते हैं। कहाँ है दिमाग यार तेरा, क्या हो गया, टेंशन किस बात की है भाई, मजे से खेलो। किंजा हाशमी फ्रॉम मेहरान टाइगर्स। किंजा अपने करली बालों के साथ पहली डिलीवरी फेंकेंगी, माशाल्लाह उम्दा शॉट छक्के के लिए। ठीक है तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ छक्का, कह रहे हैं ठीक है थोड़ी हालत सब पिछली खातून के ओवर पे 24 रन पड़े थे ना, इस छक्के के साथ ही किंजा का मुकाबला नवीन के साथ डायरेक्टली है। नवीन देख रही है और किंजा ने वाइड बॉल करा दी है, बहुत अच्छे और सारे डबल वाइड, इसके दो रन करे। साथ ही जैन अब इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन गए हैं, और एक और ये भी शामिल करने का, और ये भी शामिल करने, जैन टॉप स्कोरर है। शाबाश जैन, खड़े रहना है। ये शाबाश ने अपनी बड़ी खास शर्ट पहनी हुई है। अरे खास बात हो तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब एवरीडे, क्योंकि तुम है कुछ खास। और 3 छक्के खा चुकी है किंजा। किंजा कैसा महसूस कर रही हैं आप? आई नो किंजा जो है सीधे हाथ से अपने ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगी। जैन कह रहे हैं डर लग रहा है, जरा आराम से फेंकेंगे, और मुझे लगता है ये वाकई वाइड बॉल होगी। नहीं, वाइट वाइट अंपायर का इशारा, वसीम बदामी बेड़ा गर्क हो गया है अंपायर, और मैच मुझे लगता है मेहरान टाइगर्स के हाथों से फिसलता हुआ यार। फिर फाच के गुस्से से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने किया सब कुछ। आपने रन आउट कराया फाच को, ओ सॉरी, चलो भूल गए थे आप। नाजरीन अब किंजा जो है, किंजा परेशान, आखिरी अब तो गया, अब मिर्जा जैन बिक गया, और टीम का कोई भी प्लेयर जो है वो आगे बढ़ के नहीं समझा रहा है किंजा को। पूरा वसूल करना है, शाबाश। मेरे बाल ठीक हैं शाबाश? अरे बाल तुम्हारे सनसिल्क संभालेगा, क्योंकि बाल संभालेंगे शान से। बॉल किस ओर गई, बात डेड बॉल है, डेड बॉल, बच्ची की बॉल पे गिर गया लड़का। नाजरीन ताकत की कमी है जैन के अंदर, सिर्फ बॉडी से ये मर्द हैं। डेड बॉलों पे छक्के भी दिए तीसरा ठक्का लगा, दो टप्पे बाहर निकाले, डेड बॉलों पे छक्के भी दिए, बड़ी जस्टिफिकेशन लेके आए हैं वसीम बादामी, बहुत ही मुनसिफ एम्पायर हैं, वेरी गुड। अलाउड है, तीसरा नहीं अलाउड नहीं है। वसीम बदामी अपना डिसीजन देख के नाक भी चढ़ाते हैं थोड़ी सी। साथ ही आप बता देखे सामने किंजा है, पीछे वसीम है, तो आप कैसे तवक्को, और किंजा ने बहुत ही शानदार कमबैक किया है, बहुत ही अच्छा ओवर फिनिश किया, प्रेशर में ले आई है जैन को, और सबसे अच्छी बात यह है कि गाना बजाओ। बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा, वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा।
प्यार मुझसे नहीं है प्यार उसे नहीं है मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं इकरार तुमसे नहीं है सोचा था प्यार तुमसे करूंगा सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुमसे करूंगा ओ ख्वाबों का घर जो बनाया था वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था ओ ये खबर बहुत अच्छा हो जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अंपायर चाय पी रहे हैं मजे ले रहे हैं 18 बॉलों पे 44 रन चाहिए फैजान शेख फ्रॉम मेहरान टाइगर्स शफात अगर पिच गंदी हो जाए तो क्या करना चाहिए वॉश करो प्रोटेक्ट okay. करो प्रोटेक्ट करो वॉश करो वाह वाह वा, 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 आपका बहुत फिल्मी हो आप मैं वाकई मुझे कभी-कभी लगता है शायरी में शुरू कर दूं और कुछ ना और फाज शेख चीखें लगा रहे हैं यार फाज शेख इस वक्त सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में मुलव्वस है नाइस बड़ा सगून लेते हुए वसीम बदामी ने अपनी आखिरी आधा पाव चाय खत्म की मुझे समझ नहीं आ रहा किंजा अपने बाल बांध क्यों नहीं रही हैं किंजा ने अपने बाल आज खास बाल अपने मुड़वाए हैं तीन एक्सटेंशन लगवाई हैं इस पे लाइन बोल बालों वाली किंजा के बालों पे चक्कर आ रहे हैं अगर ये विकेट चली गई तो इसका मतलब है कि ये कप भी चला गया नहीं हसन न्याजी साहब को कोई उम्मीद नहीं ये कप ले लें सर ये कब भी जाएगा हमारे पास ये कब भी चला गया पूरी बारात जमा हो गई ये कहां से आए हैं ये आए हैं जनाब ब्रांडिंग करो शफात क्यों दिया इसने क्योंकि एवरीडे तो मैं कुछ खास ज़ैन बहुत ज्यादा प्रेशर में 16 बॉल रह गए 43 रन दरकार है और फैजान शेख ने ओ बहुत ही शानदार बॉल का खतरा और मेरे ख्याल से नहीं नहीं क्या हो गया ओवरथ्रो काहे का ले रहे ओवरथ्रो पीछे चला गया पीछे चला ओवरथ्रो बन सकता है लेकिन पीछे चला जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है हाँ ठीक है सही है सही है मसला क्या है नहीं ऑटोमेटिकली कैसे हो गया एक मिनट वसीम बादामी आप यहाँ किस लिए हैं शोपीस हैं आप नहीं तो ये कर लिए इनको बहस किया मेरे कोई कचकाया मैंने आप अपना फैसला सुनाइए कमेंटेटर्स आपसे तकाजा कर रहे हैं नहीं नहीं तो रन तो नहीं बनाया तो नहीं हुआ ना तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ रन नहीं है और फैजान शेख आ गए इस वक्त मेरे ख्याल से बॉल जो है बल्ले पे आ नहीं पा रही किसी भी बैट्समैन के ये स्कोर का प्रेशर है सब अयाज को डांट रहे छोटा भाई उस टीम में सब टीपू को डांट रहे थे इस टीम में सब अयाज को डांट एक तरफ लंबा सुन रहा है एक तरफ छोटा सुन रहा है बात सारी टीम इकट्ठी हो रही है सिवाय फहद शेख के सब लोग आपस में मिलजुल के बात कर रहे हैं सिवाय फहद शेख क्या वजह है और ये छक्का पड़ गया है छक्का पहला छक्का ज़ैन का इस ओवर का बहुत ही क्रूशियल टाइमिंग पे ये छक्का आया है हो सकता है यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो जाए ज़ैन बहुत ही अच्छी बारी लेते हुए सारा प्रेशर उन पे है ज़ैन बैठ गए शायद किसी को प्रपोज करने लगे हैं नहीं खुजली कर रहे थे सर और आखिरी बॉल कराते हुए और बहुत ही अच्छी बॉल और ये आउट और अयाज समो ने अपने छोड़ू होने की रिवायत को कायम रखा और बाकी सबको कह रहे इट्स ओके हालांकि बिल्कुल इट्स ओके नहीं था अयाज समो एक्टिंग ऐसे कर रहे जरा खुद छोड़ी उन्होंने बॉल रिलैक्स का रिलैक्स क्योंकि इनको पता था बात आधा पाई पे आ जाएगी इसने रिलैक्स कर दिया 12 बॉलों में 34 रन चाहिए फहद शेख फ्रॉम मेहरान टाइगर्स
नाजरीन फाज शेख आए बॉलिंग कराने के लिए सेकंड लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग अंपायर का इंतजार इज्जत और जिल्लत के दरमियान सिर्फ ये एक ओवर रह गया है फैजान शेख ने आखिरी मोमेंट पे समी खान को विकेट कीपिंग फाज लिया शेख के इस ओवर में टारगेट पूरा भी हो सकता है फाज शेख तुझे तो मारेगा आज मैं क्यों ओह समी खान ने यहां सब को सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि तू जा का लाश को छुपाने का यही तरीका है कीपर बना दो यहाँ सब ए सी एल के ऊपर जो छोटा सा दायरा है सिर्फ उतने से है नजर और याद रहे इसी बाउंसर कराने पर अयाज समो को उन्होंने बुरा भला कहा था खुद करा रहे हैं खुद करा रहे बाउंसर अब देखते हैं क्या होने जा रहा है चले जी चले फैजान शेख आई थिंक हार्ट टू हार्ट अगर शेख दूसरे शेख से बात करे सॉरी और फाज शेख परेशान प्रेशर में आ गए हैं अब देखना ये क्या होता है 32 रन 12 बॉलों पर और ये लग गई है बॉल और लग गई है मुझे अभी भी ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है ये ऑलमोस्ट एक और वाइड हो सकती थी आई डोंट नो व्हाई वो इसी वक्त इस तरफ बॉलिंग कर रहे हैं समझ से बाहर है थोड़ा सा भी मिस हिट होगा और वाइड बॉल होगी और एक बार फिर वाइड बॉल आज जल्दी जल्दी करो ताकि मुझसे गलती है कोई पकड़े ना मूव ऑन तरह वेट करके प्रेशर में आ गए फाज शेख आज शेख कोई तीन बॉलें वाइड करा चुके हैं अभी तक और एक और वाइड छक्के की सूरत में छक्का पड़ गया तीन वाइड करा के इस ओवर की अब तक एक बॉल ही दो बॉल इस ओवर में अब तक दो बॉलों पे 10 रन आ चुके हैं ओए होए टिश्यू लाए जाए बिग इशू अभी देते हैं आपको जैन भाई को टिप लेने आए अपना गुटका थूकना है जैन के चश्मे पर फॉग आ गई है लगता है लाहौर की फॉग यहां पे पहुंच गई है मोटरवे पे क्रिकेट खेल रहे हैं तीन वो मारेगा एक तुम मार देना मैच खड़ा रहे जैन खड़ा रहे अच्छा किसी भी किस्म की अदाकारी में नहीं पड़ना जब तक मैच नहीं जीत जाते और फाज शेख ने याद रहे अभी तक चार बॉलें इस ओवर की बाकी हैं 10 रन खा चुके हैं ठीक है कोई बात नहीं और आगे हैं आखिरी चार बॉलें और एक और वाइड बॉल एक और वाइड बॉल क्या कर रहे हैं फाज शेख ले फाज आपकी बात पूरी हुई दो बॉलों में 10 रन क्योंकि स्ट्रेटजी गलत है मैंने भी अच्छी खासी कप्तानी कर रखी है जिंदगी में ये गलत स्ट्रेटजी है और ये देखिए फहद आप भी इस टीम के मेंटोर हैं मैं इस तरह अदनान और कोई नहीं है अच्छा आप ही इस टीम के मेंटोर हैं अदनान की टीम को उनकी टीम नहीं पूछ रही आपको आपकी टीम नहीं पूछ रही क्या वजह है मैं अभी भी सजेशन यही देना चाहूंगा कि साइड चेंज करके ऑफ साइड पर यॉर्कर्स किए जाए वेरी गुड अदनान भाई भी हमारी तरफ आ गए और ये है बॉल करने वाला जो कि इन्होंने फाइनली किया है अयाज सम्मो को बॉल लगी उनकी चीख निकल गई याद रहे सिर्फ और सिर्फ तीन छक्कों की मार है जो कि बिल्कुल पॉसिबल है फहद शेख भागते हुए आए हाथ घुमाया बॉल फेंके जैन ने छक्का मारा और अयाज ने को कह रहे सात बॉलों पर 12 रन अयाज समो का फटना बिल्कुल सही है और आखिरी बॉल कराने जा रहे हैं और कब भी छोड़ दिया इसके साथ एक रन इसके साथ और ये कैच के साथ मुझे लगता है ट्रॉफी भी इनके हाथ से गिर गई है गिरी हुई हरकत अयाज समो की नवीन कौन कर रहा बदतमीजी आगा कर रहा है प्यार से गाली देके बात आपके अपने गेम के लिए नुकसान दे रहे हैं अपने गेम पे कंसंट्रेट कर मैं आप देख रहे हैं कि आप डोंट नाजरीन थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो गई है नवीद रजा और आगा शिराज के बीच में ठीक है चलें आ जाए चलो अगर आप इस पे रिव्यू लें पता लगे कौन बोल रहा था समी खान फ्रॉम मेहरान टाइगर्स बाय द वे जैन ने 50 रन अपने मुकम्मल कर लिए हैं तालियां होनी चाहिए जैन के लिए बहुत ही शानदार इनिंग जैन खेल रहे हैं 21 बॉलों पर 58 स्कोर कर चुके हैं आखिरी बॉल आखिरी ओवर 6 बॉलें 11 रन खान बॉल आए समी खान आए और बॉल कर दिया है समी खान ने आते ही पहली बॉल पे बॉल कर दिया हसन नियाजी फ्रॉम रावी रेडर्स
नाजरीन आपको ये बताते चलिए, मैच सुपर ओवर की तरफ जाता नजर आ रहा है हमें। स्पॉन्सर कहते हैं जनाब पावरफुल क्लीन रिमूव्स 99.9% ऑफ बैक्टीरिया एरियल। फहद अब यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठने का कोई फायदा नहीं, लेट्स जंप इनटू द ग्राउंड। मैं कुछ सवालों के जवाब हसन न्याजी से इस वक्त लेना चाहता हूँ। 5 बॉलें रह गई हैं और 11 रन इस वक्त, आपको टीम ने क्या मैसेज देके भेजा? कुछ नहीं कि आउट नहीं होना और अच्छा खेलना। और आपको क्या लगता है आप क्या करें? मैं तो सोच रहा हूँ कि 3 बॉलें पहले ही मैच खत्म हो जाए। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा बोल दिया है आपकी, कह रहे 3 बॉलें। बात एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आपने जिनके बारे में जो कहा था कि ये अगर बैटिंग पे आगे कुछ नहीं कर पाएगा? मैंने कब कहा? आपने उधर कमेंट्री बॉक्स में बैठ के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये, नहीं नहीं नहीं, आपकी इज्जत करेंगे। मैं तो ऐसा आगा शिराज के लिए कह रहा था और मैं अभी भी कायम हूँ उस बात पे, लेकिन अब देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल द बेस्ट हसन न्याजी, सलमान सईद समझाते हुए जो कि पहली बॉल पे खुद आउट हुए थे। आगा क्या समझाया जा रहा? कुछ नहीं। नाइस, ये अच्छा किया। सकता है रन, ये 2 छक्के मार सकता है। 2 छक्के आप मार सकते? हाँ इंशाल्लाह। नवीद रजा से क्या कहा था? मोहब्बत सेंसर क्या कहा था? नहीं कुछ नहीं, होता है, क्रिकेट है, ये चलता है इसमें। तो क्रिकेट खेले आप? क्रिकेट क्यों नहीं खेले? बच्चा है, नया है, बच्चा है, बच्चा है नवीद रजा, ऐसा कहा गया है। बच्चे कल के नवीद रजा, नवीद रजा मैच खेलने, आप बड़े होने का सबूत दें। आगा शिराज कह रहे हैं बच्चा है नवीद रजा। और आखिरी 5 बॉलें, 11 रन हसन न्याजी इस वक्त प्रेशर में। समी खान आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी। और एक और बॉल कर दिया समी खान ने। समी खान, समी खान, खानों में खान, समी खान। इसका मतलब है फहद ने आपके बारे में क्या बेचता है शाहरुख खान, क्या बेचता है सलमान खान, सिर्फ एक ही खान है, वो है समी खान। टीपू शरीफ फ्रॉम रावी रेडर्स। टीपू, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितना आपके साथ बुरा सुलूक हुआ है, ये 2 छक्के मार के चुप करा दे सबको। बात भाई, टीपू भाई की खास बात है, ये झुक के बैटिंग करते हैं। समी खान हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल, और ओ ओ ओ ओ ओ ओ थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है पीछे। लास्ट तीन बॉले अदनान भाई, 10 रन दरकार है। आगा शिराज ब्लड प्रेशर बहुत हाई। आगा शिराज थर्ड लास्ट बॉल, आगा भागो नाजरीन, शिराज भाई को आउट कर दिया। बहुत ही जबरदस्त और फजूल रन लेने की कोशिश। दो छक्कों पे अदनान सिद्दीकी ने 1,00,000 रुपए का ऐलान कर दिया। अदनान भाई, अरे फिल्म का बजट है पगले, बचा ले। ओके एक मिनट, अदनान सिद्दीकी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कह रहे हैं 1 मिनट, अगर 2 छक्के मारे 1,00,000 वो देंगे, 1,00,000 मैं दूंगा। ओए होए होए, 1 मिनट और वसीम बादामी भी 1,00,000 देंगे, बोल देंगे। अच्छा, और नहीं नहीं मैंने नहीं बोला भाई, अगर मैं छक्का दे दूं तो मुझे कितने देंगे? तुम्हें छक्का देंगे, आप छक्का दोगे हम आपको गाड़ी देंगे, आप उसको ड्रॉप कर देना। आखिरी 2 बॉले, 9 रन दरकार है। समी खान, खानों में खान, समी खान, और इस बात में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर मेंटोर ठीक हो तो सही रास्ते पर चल। ये पहले दिन से याद किया भाई ने, आज बोल दिया हमारे लिए। साबित हुआ कि अगर मेंटोर ठीक हो तो टीम अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त। मेंटोर खुश हुआ, वाह वाह जबरदस्त। आगा शिराज शायद अगर वो फनी बॉल ना फेंकते बिल्कुल तो, यस, तो
शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आगा शिराज की वजह से आप आ रहे हैं? नहीं, आखिरी दो नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मेंटोर का कितना? अगर मेंटोर ठीक हो तो टीम मंजिल तक पहुंच ही जाती है। आप लोग के भरपूर तालियों में मेहरान टाइगर। What a contest! Lekin Janab, finally, Sunsilk ACL presented by Prodex, powered by Ariel and Nestle Everyday ka safar ho gaya khatam. Aur finally Janab, Sunsilk ACL, which was presented by Prodex and powered by Ariel and Nestle Everyday, jeet li hai Mehran Tigers ne. Woo! Kya match hua hai Janab? Aur kaptan ne kya inning kheli hai? कप्तान साहब 63 रन बनाए आपने और आखिरी ओवर कराया, दो विकेट आपने ली, कैसा महसूस हो रहा है अपना? सर आई थिंक पूरी टीम की एफर्ट है, आई थिंक इट्स ऑल कलेक्टिव एफर्ट, सिर्फ एक बंदे का नहीं है, क्योंकि पूरी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला है, हर किसी ने परफॉर्म किया। इट्स गेम, कभी कोई नहीं चलता है, कोई चल जाता है। पिछले हर मैच में फहद परफॉर्म रियली वेल कि हम इस स्टेज तक पहुंचे। सो आई थिंक इट्स कलेक्टिव एफर्ट एंड ऑब्वियसली लास्ट ओवर में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि जैन अभी तक खेल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अच्छी बॉल हो गई। फहद कमेंट्री बॉक्स में आपको देख रहे थे, आप समी पे वारी वारी हो रहे थे, आप डकरे डकरे जा रहे थे, क्योंकि खानों में खान समी खान। वाह, लव यू। ऐसा ही है। और उन्होंने जिस तरह संभाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है समी के साथ साथ जैन को भी पूरा क्रेडिट देना चाहिए। ही ऑलमोस्ट टुक अवे द मैच, वंडरफुल इनिंग्स, बहुत ही जबरदस्त। फहद भाई, वेल प्लेड जैन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मेंटोर का कितना? अगर मेंटोर ठीक हो तो टीम मंजिल तक पहुंच ही जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, हक सच बात है। फाइनल का एक प्रेशर होता है जी, आई थिंक दे शुड हैव टेकन बैटिंग फर्स्ट, बट ओके, इंसानी गलतियां करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, इंसानी गलतियां करते हैं, और एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, अगर एक हर मैच में चल रहा है तो एक मैच में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और आज वही हुआ। मुझे ऐसा करना चाहिए था इनको कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन पहले भेजना चाहिए था इनको, जो नहीं किया इन्होंने। आपका लेफ्ट खराब था, ये सारी बातें आपने खेल मैच से पहले करनी चाहिए। कितना हंस रहा है इस बात पे कि आगा को पहले भेजा जाता, उसकी हंसी देखिए आप। आई वाज जस्ट मेंटोरिंग, कैप्टन वो है। आप ये कीमती मशवरे जो अभी दे रहे हैं मैच से पहले देने चाहिए थे। कौन कैप्टन, कौन है जंग के बाद जो मुक्का याद है वो तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अभी तो आपने उधर इशारा किया। अच्छा अदनान भाई, ये बताइए, आप टीपू भाई को कह रहे थे मैच के बाद कि मैं ऐसी कैप्टनसी पे कबूतर भेजता हूँ, तो ये कबूतर का क्या सीन है? मैं ऐसी बात पे माइक भी एक सेकंड अगर मुझे दिया जाए, टीम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा सर, प्लीज, आप दो सेकंड, क्योंकि हमारी तरफ से जिस तरह सबने कंट्रीब्यूट किया है शुरू से टूर्नामेंट के, फैजान वाज आवर डेथ बॉलर, हर मैच में अच्छा ओवर कराया, आज भी सलमान की इंपॉर्टेंट विकेट पहली बॉल पे इन्होंने निकाली, हमने पहले कहा था कि ये हमारा टाइगर आज आउट करेगा, और पिछले मैच में भी दो दफा आउट किया सलमान को। ऐसे ही नवीद हमारे बहुत ही मजेदार प्लेयर हैं, टीम की एनर्जी जान, आखिरी रन आउट भी आज नवीद ने किया। हमने एक दिन मैच बैटिंग में भेजा लेकिन बैड लक के उसी पहली बॉल पे आउट हो गए नवीद रजा ने। और आगा को बिजी किसने रखा? नवीद। ऐसे ही फहद शेख प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही इज द हाईएस्ट स्कोरर आई थिंक। हां फहद शेख प्लेड रियली वेल, अयाज समो ने आई थिंक सरप्राइज बॉलिंग कराई है, हर मैच में बहुत अच्छी बॉल कराई, और इनफैक्ट जो पिछला मैच हम इजाज भी की टीम से जीते थे आखिरी ओवर में 14 क्रूशियल रन समो ने स्कोर किए थे, दैट्स अब्सोल्युटली। और किंजा ने एक मैच में दो विकेटें ली थी, दोनों को आउट किया था, और आज भी दो छक्के बचा लिए, बड़ी बात है। और किंजा ने सेकंड लास्ट मैच में दो स्क्रिप्टें भी ली हैं। अच्छा, मैंने नोट किया, मीटिंग कर रही थी। और आज हमारे मेंटर भी आते, उन्होंने हमें बड़ा पुश किया, हमारे डग आउट में आके बैठे, सो इट वर्क्ड, इट वर्क्ड। मैं हम सब ने अभी ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने दोस्त से हारना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हीं की जीत में हमारी जीत है। कप्तान से आपके पूछने हैं जनाब, कप्तान साहब शुरू से आपके मेंटोर ने आपके आप पे तनकीद की कि आपने गलत डिसीजन लिया, आपको लग रहा था कि डिसीजन आखिर वक्त तक ठीक है, आप जमे हुए थे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा विनिंग टीम को, जी जी, मेहरान टाइगर्स को, जी जी, बहुत अच्छा खेले और डिजर्विड विनर्स हैं, जबरदस्त, उन्होंने एक कीनली फॉट कॉन्टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से जीता। बिल्कुल, अदनान भाई की प्रेजेंस ने हमें और ज्यादा मोटिवेट किया, और इसमें कोई शक नहीं आपने मोटिवेट किसी गलत चीज का नाम, इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक्सपीरियंस और उनकी सीनियोरिटी को मद्देनजर रखते हुए हर चीज करनी चाहिए थी हमें। प्रॉब्लम यह था
कि टीम जो आपस में डिस्कशन कर रही थी उसमें ज्यादातर लोगों की राय ये थी कि हम बॉल करेंगे और हम इसी पॉलिसी पे के टीम के मशवरों से डिसीजन लेते हुए यहाँ तक पहुँचे. तो हमने उसी चीज को आज फिर बैक किया और आज वी फेल शॉर्ट. कुछ प्लान्स थे, मैंने ये एडवाइस दी थी, सजेशन दी थी, हालांकि दोनों मुझसे कहीं दर्जे बेहतर क्रिकेटर हैं जैन और सलमान, कि फैजान को विकेट नहीं देनी. ठीक है. और वो जो था ना, वो अच्छी खासी बॉडी ब्लो थी, पहली बॉल जो थी जी, बॉडी ब्लो थी, उससे बड़ा फर्क पड़ा. दूसरी बात ये कि इस पूरे टूर्नामेंट में सलमान के दो ओवर आज क्यों नहीं आए. काफ़ी लोगों को, ये व्यूअर्स को भी शायद ये जहन में होगा कि उन्होंने क्यों नहीं कराया. तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी बैक को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि उनको मैंने बैटिंग पे भेजना, तो उनको जरा सी चोट है बैक पे. मतलब वो अच्छा, इस पे अच्छा. इस पे वो मुझे काफी गालियां देंगे, बाद में डांटेंगे भी. ये स्ट्रेटजी चल रही थी, वो वजह ये थी ना ओवर देने की, दूसरा और कोई वजह नहीं थी. लेकिन टीपू भाई, बाकी मैं अपनी टीम के बारे में ये कहना चाहूंगा, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट अमंग मेनी अदर्स, फहद, सलमान और राय जो टूर्नामेंट से पहले चले गए थे, जैन के लिए तालियां होनी चाहिए. He's carried us throughout the tournament. बिल्कुल. बहुत हिम्मत से खेला. बिल्कुल. सलमान हमारा बेस्ट प्लेयर है. मैंने इस पे ओवर डिपेंडेंस थोड़ी सी की हुई है, ओवर रिलायंस. हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर आया हो. आई एम सॉरी फॉर दैट. बिल्कुल. और आगा शिराज शायद अगर वो फनी बॉल ना फेंकते, बिल्कुल, शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है. लेकिन क्रिकेट शायद का गेम नहीं है, दूसरी टीम ने अच्छा खेला. आगा ने अनन भाई की बात ना मानने का अफसोस है आपको. आगा ने हमें पिछले मैच में बहुत सपोर्ट किया और मेहरान टाइगर्स से प्लेऑफ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, जिसमें हम सुपर ओवर पे गए थे. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आगा शिराज की वजह से आप आ रहे हैं? नहीं, आखिरी दो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. अब हम आते हैं हसन न्याजी साहब की तरफ. जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, टूर्नामेंट शुरू होते के साथ साथ हर मैच में ये बंदा पहले से बेहतर बॉलिंग कराता आ रहा है. हर मैच में हसन न्याजी की विकेट्स लेता आ रहा है. ही कीप्स कमिंग, ही कीप्स प्रैक्टिसिंग, ही कीप्स बॉलिंग इवन बेटर एवरी टाइम. क्या बात है. बिल्कुल. और नवीन, आपने जो दो बॉलें बचाई, नवीन के लिए बहुत सारी तालियां यार. आपने वो दो बॉलें बचाई, वो 12 रन और हो सकते थे. Very well bowled throughout the tournament. Vaseem, हम अनाउंस करते हैं जनाब, सबसे पहले आज के गेम के मैन ऑफ द मैच. जी बिल्कुल, गुड मैच. दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों मेंटोर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उसके साथ ही जनाब आज के मैन ऑफ द मैच गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, द विनिंग कैप्टन समी खान. 63 रन बनाए इन्होंने और दो क्रूशियल विकेट्स ली आखिरी ओवर में, जिस पर समी खान है आज के मैन ऑफ द मैच. जबरदस्त समी खान. आपको ये बताते चलें, ये गोल्ड मेंटर वाज देयर, थोड़ा जंग लगे, सीवीयू पे रहते हैं हम लोग. और इसके बाद बुलाते हैं जनाब आज की रनर्स अप कोच, व्हिच इज रावी रेडर्स. छोटी वाली नाजरीन बताते चले कि रनर अप और विनर की ट्रॉफी में सिर्फ 1.5 इंच का फर्क है और 30 रुपए का रेट बताना जरूरी था क्या यार? नाजरीन हाथ लगा ले. फाइनली द टाइम इज हियर के हम इस लीग की विनर टीम को उनको बुलाएंगे और सबसे महंगी वाली ट्रॉफी देंगे. तो आप लोग की भरपूर तालियों में अदनान सिद्दीकी जो है वो विनर ऑफ द लीग को ट्रॉफी देंगे. आप लोग की भरपूर तालियों में मेहरान टाइगर. द विक्टोरियस टीम मेंटोर को बुलाया है एक बार फिर. अमेजिंग जनाब, मलबा गिर रहा है आसमान से. वाह वाह. और ये यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, नेस्ले एवरीडे का, सनसिल्क का, एरियल का, प्रोडक्ट्स का. आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड दिस इज इट खवातीन हजरात, दिस इज इट. ये था जनाब आपके साथ हमने 2 महीने का ये सफर शेयर किया, जिसमें फाइनली ये बच्चा पार्टी यानी के मेहरान टाइगर्स ले गई है ACL की ट्रॉफी अपने मेजबान शफात अली को और आदि का गया आदि अदील को. और आपको साथ साथ बताते चलें
कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग कैमरे के पीछे हैं, इस पूरे स्टेडियम के पीछे हैं, मैनेजमेंट के पीछे हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सब ने मिलजुल के आई थिंक वी पुल्ड इट ऑफ रियली वेल। आप लोग देख सारा रहे हैं। क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो शिफ्टें लगाई हैं, आदि ने भी दो शिफ्टें लगाई है, वो अलग बात है। लेकिन जनाब इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे, हो सकता है कि हम ACL का अगला सीजन भी शुरू करें। लेकिन अगर मेंटोर ठीक हो तो टीम को रास्ता मिल ही जाता। एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने तमाम स्पॉन्सर का, सनसिल्क, एरियल, नेस्ले एवरीडे एंड प्रोटेक्स, आप सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हजरात, अपने मेजबान शफात अली को और हादी अदील अमजद को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जो है